नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। कौशाम्बी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का भव्य स्वागत विश्वकर्मा समाज के लोगों ने कौशाम्बी में किया है। पूर्व मंत्री विश्वकर्मा ने कहा कि मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। तो तस्वीरें आप कौशाम्बी से देख रहे हैं, जहाँ कौशाम्बी की धरती पर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का वहाँ के विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। स्वागत से अभिभूत पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी अपना इलाज कराए, क्योंकि वो कठुआ पार्टियों का वो समर्थन ले रही है और हम कौशाम्बी के 3 सीट सहित 300 सीटों पर सरकार बनाएंगी। इस उपलब्धि का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जनता ने स्वयं उनकी बातों का संज्ञान लेना बंद कर दिया है और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देकर के जिताएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो भी वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2014 में झूठ बोला, केंद्र में सरकार बनाई, 2017 में झूठ बोला, सरकार बनाई, और इनका जो संकल्प पत्र है उनमें जो भी वादा किया था एक भी वादा आज तक पूरा नहीं। जनता बीजेपी के झूठ को समझ चुकी है। अब चाहे जो कुछ भी कहें, अब जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली है और आगे आने वाले दिनों में 2022 में समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश की जनता बहुमत की सरकार बनाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। और पहले अपने बारे में स्थिति स्पष्ट करें, पूरा प्रदेश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है और कई मौकों पर BSP ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। उनका इतिहास रहा है कि जब जब बीजेपी सामुदायिक ताकतों को कमजोर हुई तो बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन देकर मजबूत किया। और जनता जानती है कि 2022 में भी वो बीजेपी को समर्थन देंगे, इसलिए जनता बहुजन समाज पार्टी को नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान के आज एक ऐसे नायक बनकर उभरे हैं कि पूरे विपक्षी दलों के लोग माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले सभी विपक्षी दल, छोटे छोटे दल माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का एक जो है विकल्प बन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या चल रहा है? चलो राजा।